छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी कैसी है? क्या कांग्रेस जोगी परिवार को शिकस्त दे पाएगी? क्या 20 साल बाद मरवाही सीट से जोगी परिवार से अलग कोई अन्य बनेगा विधायक? आखिर कांग्रेस के पास जोगी परिवार से निपटने के लिए क्या रणनीति है? इन तमाम सवालों के जवाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खास बातचीत में दिए। मरवाही उपचुनाव को लेकर के तैयारियां सभी राजनीतिक दलों के जारी है, कांग्रेस बीजेपी या फिर जनता कांग्रेस। इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम। मरकाम जी, क्या लग रहा है, जोगी परिवार के साथ मुकाबला है या फिर बीजेपी के साथ? देखिए, चुनाव को हम चुनाव की तरह लड़ते हैं, किसी पार्टी को हम लोग कमजोर नहीं करते। हम बूथ सेक्टर जोन स्तर पर लगातार तैयारी कर रहे हैं, संगठन अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और जब भी चुनाव आते हैं हम लोगों को संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। मुकाबला तो हर जो निर्दलीय भी लड़े उसके साथ भी मुकाबला है, चाहे राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल है उनके साथ भी मुकाबला है। देखिए, सहानुभूति दंतेवाड़ा में भी था, वहां भी हर कोई कहता था, एक्सपर्ट कहते थे, मीडिया के लोग कहते थे, कांग्रेस किसी भी शर्त में नहीं जीत पाएगी, मगर हम कार्यकर्ताओं के दम पे, सरकार की योजनाओं के दम पे हम लोग दंतेवाड़ा भी उपचुनाव 12,000 वोटों से अधिक वोटों से जीते। हमें लगता है हमारा यहाँ जो एजेंडा होगा विकास बनाम सहानुभूति, सहानुभूति नहीं चलेगा, यहाँ विकास का एजेंडा चलेगा। टिकट जो है कब आप लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, युवा चेहरा होगा या फिर वरिष्ठ कोई होगा? देखो, मरवाही की जनता जिसको चाहती है, सर्वे में जिसका नाम हो आएगा वही हमारा प्रत्याशी होगा और हम लगातार 5-6 दौर की सर्वे चल रहा है, जो भी हमारा सर्वे में नाम आएगा वो प्रत्याशी होगा। 9 तारीख को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है और हमें लगता है 10-11 तारीख को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। तो टिकट को लेकर के संशय है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि मरवाही से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, युवा चेहरा या फिर कोई वरिष्ठ नेता। कैमरामैन श्याम के साथ वैभव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।